तो वहीं कानपुर के इत्र कारोबारी और सपा नेता पीयूष जैन के घर से इनकम टैक्स को 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने जैन के घर पर रेड डाली थी। आनंदपुरी इलाके में पीयूष जैन के घर में बड़े बड़े कार्टन में भरे हुए नोट मिले हैं। खास बात यह है कि पीयूष जैन अखिलेश यादव के करीबी हैं और उन्होंने ही पिछले दिनों समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। छापे के जो फोटो सामने आए हैं उसमें दिख रहा है कि अलमारी में कार्टन में भरकर नोट रखे गए थे। 500 रुपए के नोटों से गड्डियों के बंडल बनाकर पूरा कैश ही रखा था। इन बंडलों को ऐसे तरीके से पैक किया गया था कि आराम से कहीं भी कोरियर किया जा सके। आईटी की टीम नोट गिनने के लिए चार मशीनें लेकर पहुंची। बाद में नोट गिनने के लिए कुछ और मशीनें वहां पर मंगवाई गई। रकम इतनी ज्यादा थी कि देर रात तक चार मशीनों से 40 करोड़ रुपए ही गिन पाए गए। गिनती के बाद रकम 150 करोड़ से भी ज्यादा निकलने की आशंका है। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी अनिकेत तिवारी इस वक्त मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिकेत, जो तस्वीरें फिलहाल टीवी पर चल रही है, काफी ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली तस्वीरें, 500-500 के नोटों के बंडल को इस तरीके से कार्टन में भरकर घर में रखना और 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि घर से मिलना, किस तरीके से ये जो रेड है वो अब निष्कर्ष पर पहुंच पाई है, क्या एलिगेशन अभी साबित हो पाए हैं अनिकेत इस पर? अजी देखिए, ये वही पीयूष जैन है जो कानपुर के जो एमएलसी पम्मी जैन है उनके करीबी माने जाते हैं और पम्मी जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी है, तो यकीनन तौर पर यह वो पीयूष जैन है जिन्होंने समाजवादी इत्र के बनाया था। तो अब कहीं ना कहीं उन पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। और कल जिस तरह से जीएसटी की छापेमारी में जो 150 करोड़ के जो कर की जो चोरी है, टैक्स की जो चोरी सामने निकल कर आई, उसमें एक बड़ा मामला सामने निकल कर आया है कि पीयूष जैन के द्वारा न केवल करोड़ों की जो टैक्स की चोरी की गई है, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें उनका नाम सामने आ रहा है। हालांकि अगर बात की जाए इस पूरे छापे मारेगी तो कल घर हो, चाहे फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, या कोल्ड स्टोरेज हो, या पेट्रोल पंप हो, उन सभी जगहों पर कल जीएसटी की छापेमारी की गई है पीयूष जैन के ठिकानों पर। बात की जाए अगर जयती पीयूष जैन की, तो पीयूष जैन कानपुर के आनंदपुरी में रहते हैं और इनके पास करीब 40 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें दो कंपनियां इनकी सऊदी अरब में है और दो देश के पूर्वी राज्यों में। यकीनन तौर पर एक बड़े इत्र व्यापारी के नाम में शुमार है पीयूष जैन का नाम। पीयूष जैन एक बड़े इत्र कारोबारी है और अखिलेश यादव का जो इत्र, जो समाजवादी इत्र था, वो भी इन्हीं ने लॉन्च किया था। तो कहीं ना कहीं एक बड़े खेमे में ये हलचल जरूर मचती नजर आ रही है। इसके पहले भी बड़ी जो छापेमारी वो की गई, करीब 30 ठिकानों में छापेमारी अलग अलग लोगों के यहाँ की गई थी। उसके बाद में कहीं ना कहीं पीयूष जैन पर भी कहीं ना कहीं जो जीएसटी का शिकंजा है वो कसता नजर आ रहा है। लगातार एक बात सामने निकल कर आ रही है कि पीयूष जैन ने ना केवल बड़े टैक्स की चोरी की है, इसके साथ कई अन्य मामलों में उनका नाम सामने आ रहा है। इसको लेकर लगातार जांच की जा रही है। जो जीएसटी की जो टीम है, जो छापेमारी जो लगातार अभी भी जारी है, और जो 150 करोड़ को बरामद किया गया उसे फिलहाल अभी जब्त कर लिया गया और अन्य कागजों की जो सघनता से जांच की जा रही है। अनिकेत, इसके अलावा जैसे बीते दिनों अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी इस बात पर कहा था कि सरकार जो है वो लगातार ऐसी कोशिशें कर रही है, हैकिंग कर रही है, अकाउंट हैक कर रही है, उनके फोन कॉल सुन रही है, लेकिन लगातार उनके करीबियों के पास ऐसे छापे पड़ना और एलिगेशन अगर लग भी रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहे हैं, एक लैक ऑफ पॉइंट है क्या उनका? जब आने वाले दिनों में चुनाव और नजदीक आएंगे तो एक ये मुद्दा बन सकता है, चूंकि 150 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम अपने आप में और करीबी के उनसे बरामद होना अपने आप में एक बड़ी बात है। ये देखिए, यकीनन तौर पर जैसी जिस तरह से छापेमारी समाजवादी पार्टी के करीबियों पर की जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं तो समाजवादी पार्टी में इस बात को लेकर गुरेज जरूर है। लगातार समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है वो भी मंचों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विरोध है वो मुखर करते नजर आ रहे हैं। लगातार वो ये बात भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आगामी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए उनके करीबियों पर छापेमारी का जो शिकंजा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया। लेकिन अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की जैसी, तो यकीन तौर पर उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी जिस तरीके के लोग हैं जो कर चोरी जो करते हैं, जो गलत कामों में जिनकी संलिप्तता है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी कई बड़े लोगों पर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ सरकार में की गई है, तो उसी क्रम में ये कार्रवाइयां भी जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो जरूर ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि कहीं समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी डरती नजर आ रही है और यही कारण है कि उनकी करीबियों पर छापेमारी, उनकी करीबियों पर जांच बैठाई जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये बात सामने निकल कर आई और 150 करोड़ की जो कर चोरी, जो नकदी जो बरामद हुई है, उससे एक बात तो साफ हो जाती है
चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग आज भी प्रदेश में हैं जो जिनके पास जो ना केवल करोड़ों के टैक्स की चोरी करते हैं बल्कि बहुत सारे कई मामलों में उनकी संलिप्तता भी सामने निकल कर आती है। हालांकि बड़े नाम होने के चलते उन पर कार्रवाइयां नहीं हो पाती, लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्रवाई का दौर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बहुत सारे लोग शिकंजे में कसते नजर आ रहे हैं। तो उसी में पीयूष जैन की बात की जाए, यकीन तौर पर 150 करोड़ की जो नगद राशि बरामद होना यकीन तौर पर अपने आप में एक बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग हैं जो न केवल टैक्स चोरी करते हैं बल्कि अन्य गलत कामों में जिनकी संलिप्तता है उन पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए निकेत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।